बहरहाल हजरत अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो इसी हाल में रहे, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो उस वक्त हर तरफ इस्लामी फतूहात थी। इतना ज्यादा माल गनीमत मुसलमानों के पास आया कि हर शख्स खुशहाल हो गया और हजरत अबू हुरैरा भी उन्हीं में शामिल थे, क्योंकि जो कुछ मदीना आता वो तक्सीम होता था सहाबा किराम पर। और जब आपके पास माल आया तो फिर आपने शादी की और इसके बाद आपने घर का साजो सामान वगैरह लिया। आप अक्सर कहा करते थे, मैंने यतीमी की हालत में परवरिश पाई। अपने बारे में क्या कहते, मैंने यतीमी की हालत में परवरिश पाई, मिस्कीनी की हालत में हिजरत की, यानी मेरे पास कुछ नहीं था। एक खातून के मुलाजिम थे जो सिर्फ दो वक्त की रोटी देती थी, कोई पैसा वैसा नहीं, सिर्फ दो वक्त का खाना देती थी, जिसका नाम बुसरा बिनते गजवान था। और काम क्या था इनका, ड्यूटी क्या थी कि जब वो लोग सफर पे जाते तो ये उनका सामान उठाते, चीजें उठाते, उनकी सवारियों को हांकते। और फिर जब इल्म हासिल किया और इनको माल गनीमत वगैरह में से हिस्सा मिला, इतने मालदार हुए कि उसी औरत से शादी की। वो औरत जो आपकी मालिक थी, आज आप उसके शौहर थे। ये है इल्म की वो दौलत जो इंसान को हर चीज से बड़ा मकाम देती है। माल दौलत की कोई हैसियत नहीं होती, वो तो आने जाने वाली चीज। असल चीज इंसान का इल्म है, किरदार है, अखलाक है। बहरहाल उसके बाद इनको गवर्नर बनाया गया। यानी सिर्फ ये नहीं था कि सीखने सिखाने वाले थे, बल्कि बहुत बड़ा मनसब इनको अता किया गया। लेकिन शादी होने के बाद भी, गवर्नर बनने के बाद भी, माल दौलत आने के बाद भी इल्म सीखने और सिखाने का शौक नहीं गया। इसके साथ साथ इबादत भी बहुत शौक शौक से करते। सवाल है, रात के एक हिस्से में खुद इबादत करते, फिर खुद सो जाते, बीवी को उठा देते, फिर वो इबादत करती, वो सो जाती, बेटी को उठा देते। यानी जहाँ एक तरफ इल्म से ताल्लुक था, वहाँ दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत भी इनकी जिंदगी का हिस्सा थी। फिर इसी तरह अपनी वालदा के साथ इनका जो सलूक था, इसमें भी आप देखेंगे कि उसने अखलाक के नमूने आप देखिए। माँ के साथ सलूक हम सब देखें, कभी हमने अपनी माँ के साथ ऐसा रवैया किया? जिंदगी भर माँ के फरमा बरदार और खिदमत गुजार रहे, जब घर से बाहर जाते तो माँ के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते, सलाम करते, माँ जवाब देती, फरमाते, अम्मा जान अल्लाह आप पर उसी तरह नवाजशात की बरखा बरसाए, अल्लाह आपके ऊपर रहमतों की बारिश करे जिस तरह आपने बचपन में मेरी परवरिश की। वो जवाब में कहती, अल्लाह तुम पे अपनी रहमतें करे जिस तरह तुम बुढ़ापे में मेरी खिदमत कर रहे हो। और फिर उसके बाद वो घर से निकलते। ये उनका रोजाना का मामला था। हम में से कितने लोग अपने माँ बाप के कदरदान हैं और उनको कभी मुंह भर के, मुंह से बोल के या लिख के या किसी भी तरह ये कहने की जरूरत करें कि अल्लाह आप पर रहमतें करे कि आपने मेरी परवरिश की और मेरी तालीम और तरबियत की। तो अच्छा अखलाक क्या है? सबसे पहले शुक्रगुजार होना। अगर कोई, किसका शुक्रगुजार होना? जिन्होंने हम पर सबसे ज्यादा एहसान किया। यहाँ तक कहते हैं, उनके आम जुमले क्या होते थे? अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे इस्लाम दिया, अल्लाह का शुक्र जिसने कुरान दिया, अल्लाह का शुक्र जिसने हुजूर का साथी बनाया। अगर कोई जान कुछ, और फिर अनिश्कुरली वली वालिदैक, मैं अपने वालदा का शुक्र गुजार कि जिसने मेरी बचपन में तरबियत की। हालांकि आप जानते हैं कि वालदा कौन थी, जो इनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी इस्लाम कबूल करने पर, और इतना बुरा भला कहती कि रो पड़ते कि यार अब ये क्या हो रहा है। एक तरफ माँ से मोहब्बत है और दूसरी तरफ उनके कुफर से परेशान है, लेकिन इसके बावजूद उनकी खिदमत और उनके साथ शुक्रगुजारी के जो अल्फाज हैं वो आपका मामूल है। सलाम और उसके साथ शुक्रगुजारी और फिर घर से निकलना। और यही तलकीन वो दूसरों को भी करते थे। एक रोज कहीं जा रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि दो लोग जा रहे, तो एक से पूछा कि ये दूसरे कौन है? कहा कि मेरे वालिद हैं। कहने लगे कि कभी इनका नाम नहीं बुलाना, कभी इनके आगे नहीं चलना, कभी इनसे पहले नहीं बैठना। ये है मैनर्स माँ बाप के साथ। बाप है, नाम से नहीं बुलाना, और क्या नहीं करना, इनसे पहले नहीं बैठना, वो बैठे तो बैठना। यही इस्लाम के अखलाक और आदाब यही है, बचपन में यही हमें सिखाया गया है। लेकिन
खासतौर पर मगरबी माशरे में हमारे बच्चे जहाँ पल बढ़ रहे हैं या जो कुछ पढ़ सीख रहे हैं, वहाँ ये अखलाक और मैनर्स आज़ादी के नाम पर और तालीम के नाम पर सब खत्म हो गए। और फिर आप देखें कि जब मरज़ुल मौत यानी वफात हुई तो उस वक्त रो रहे थे, हजारों कतार रो रहे थे। पूछा गया आप क्यों रो रहे हैं, कहने लगे मैं तुम्हारी इस दुनिया पे आंसू नहीं बहाता, मैं दुनिया छोड़ कर जा रहा हूँ, इतना कुछ है मेरे पास और इतने ओहदे और सब, मैं रोता हूँ कि सफर बहुत लंबा है, अगली मंजिल बहुत तवील है, ज्यादा राह बहुत थोड़ा है। ये उम्मत का वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा अहादीस रिवायत की है, कहता है ज्यादा राह बहुत थोड़ा है। ये सारी अहादीस में जबानी याद थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ देख देख के कहीं से पढ़ के सुना रहे थे, सब हिफ्स थी जो उनके सीने में साथ जा रही थी। किताबें तो नहीं साथ जाती ना, वो जाता है जो हमारे अमल में हो और हमारे सीने में हो। और कहते हैं कि ज़ादेरा बहुत थोड़ा है, मैं उस रास्ते पे खड़ा हूँ जो मुझे या जन्नत में ले जाएगा या जहन्नम में ले जाएगा, मैं नहीं जानता मेरा अंजाम क्या होगा। फिर दुआ की, या अल्लाह मुझे तेरी मुलाकात का शौक है, तेरी मुलाकात मुझे महबूब है, तू भी मेरी मुलाकात को महबूब समझ और मुझे जल्द अपने से मिला। और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आपकी वफात हो गई। ये है वो हजरत अबू हुरैरा जिनका नाम आप मुख्तलिफ अहादीस में सुनते रहेंगे। सबसे ज्यादा अहादीस की रिवायत में जिसका जिक्र आता है वो अबू हुरैरा ही हैं।